हेलो नमस्ते एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। सो गाइज़, मैंने ये वाला मेकअप लुक जो है स्पेशली गणेश चतुर्थी के लिए यहाँ पे क्रिएट किया है और मैंने इसको एनहांस किया है विद दिस नोज पिन एंड ज्वेलरी। सो ये जो ज्वेलरी है इसको मैंने परचेज़ किया है मीशो से। मीशो पे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं, तो इसको मैंने वहीं से परचेज़ किया है और मुझे ये ज्वेलरी जो है सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए ना मैंने काफ़ी बेस के ऊपर मेहनत की है और आगे जो है मैं आपके साथ में यही सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये आपके पोर्स को एकदम ब्लर कर देता है एंड यू नो कैनवास रेडी कर देता है। उसके ऊपर कोई भी आप फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से स्मूथ फिनिश आती है एंड पोर्स को फिल कर देता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर यूज़ किया। 20 सैंड इज़ माई शेड नंबर। तो इसको आप अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, अपने फेस को और ज़्यादा ब्राइटन अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि डार्क स्पॉट है आप उसको कंसील कर सकते हैं। तो मुझे ना मेबलिन के प्रोडक्ट थोड़े ज़्यादा पसंद हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत नेचुरल फिनिश देते हैं, मैट फिनिश देते हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें प्रेफर करती हूँ कि जब हम प्रोडक्ट यूज़ करें तो वो जल्दी से ऑयल प्रोड्यूस ना करें। तो जो मेबलिन के प्रोडक्ट हैं वो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग बहुत स्पेशल चीज़ है। हमेशा अपने बेस को अगर आप चाहते हैं ना एकदम ग्लोई बनाना, ड्यूवी बनाना, तो ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने यहाँ पे ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है और अच्छे से इसको डैप कर करके जो है इसे मैं अपने पूरे फेस के ऊपर सेट करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन का फाउंडेशन। मेरा शेड नंबर है यहाँ पर 310। बेसिकली मैं येलोइश स्किन टोन में हूँ, तो ये मेरे स्किन टोन को बहुत ज़्यादा सूट करता है और इसमें अलग अलग शेड्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है शेड्स को चूज़ कर सकते हैं। इसको भी अगेन मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है अच्छे से ब्लेंड किया है, डैप कर करके। डैप करने से क्या होता है, ये आपके स्किन के अंदर अच्छे से फिल होता है, यानी जो आपके छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर फिल हो जाता है। और बेसिकली जो हमने प्राइमर लगाया था ना स्किन केयर के बाद में, तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है, तो आपके स्किन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट वैसे भी नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, लैक्मे के जो प्रोडक्ट हैं ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, तो इनके बहुत कम चांसेस होते हैं साइड इफ़ेक्ट होने के लिए, तो इसलिए ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो इसको जो है मैंने अच्छे से अपनी स्किन के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर आप चाहते हैं और कवरेज लेना फाउंडेशन के साथ में, तो उसको धीरे धीरे करके लेयर्स को जो है बिल्डअप करना होता है अपने फेस के ऊपर। तो अगेन थोड़ा सा लगाइए एंड फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ये देखिए अभी अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो चुका है। अब इसे सेट करेंगे हम HD ट्रांसल्यूसेंट पाउडर के साथ में। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर बेसिकली क्या करता है, जो भी चीज़ हम अपने फेस के ऊपर लगाते हैं ये उसको अच्छे से सेट कर देता है, यानी ड्राई आउट कर देता है। बिल्कुल कुछ मॉइस्चर आने नहीं देता, तो मॉइस्चर नहीं आएगा तो ऑयल भी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जो है इनसाइड कॉस्मेटिक का है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप फिक्सर जो है ये यूज़ कर रही हूँ। ये बेसिकली जो जितना हमने जो बेस किया है ना ये उसको अच्छे से सेट कर देता है। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल करना। आईब्रोज़ हमारे फेस के फीचर्स का ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो जब आप मेकअप करते हैं तो आईब्रो के ऊपर भी फोकस किया कीजिए। और मैं यहाँ पे जो आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जो आई शेडो पैलेट है बेसिकली पाउडर बेस्ड होता है, तो वही अगेन ऑयल क्रीज नहीं होगा, आपके आईब्रोज़ के ऊपर ऑयल जल्दी से प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसी से अपने आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए सेलो टेप। अगर आपके पास आई मास्किंग टेप है तो आप वो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इस तरीके से सेलो टेप लगा सकते हैं एंड फिर अपने आई मेकअप को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। लाइक मुझे तो ये वाला जो टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एकदम फिनिशिंग के साथ में लुक क्रिएट होता है। तो इसके बाद मैंने रोडा एलेरी का आई शेडो पैलेट लिया और उसमें मैंने रेड शेड लिया है, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो किया था। इसको मैं इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अच्छे से क्रीज लाइन के ऊपर जो है बिल्डअप कर रही हूँ उस कलर को। क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो रेड एंड ब्लू कलर में है, तो मैं यहाँ पे आईज़ का जो मेकअप कर रही हूँ वो भी रेड एंड ब्लू कलर में ही कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से ब्लू कलर लिया है और इसको जो है मैं अब सेंटर लिड के ऊपर अप्लाई करूँगी, क्रीज लाइन के अंदर ही अंदर। तो इस तरीके से ना एक स्मोकी रेड एंड ब्लू ग्लिटरी लुक क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैं अभी जब ये ब्लू शेड अप्लाई कर लूँगी इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँगी लूज़ ग्लिटर है मेरे पास ये, इस तरीके से। तो बेसिकली इसको मैंने एक कॉम्बो में बाई किया था जिसमें मुझे आई गेस 15-16 लूज़ ग्लिटर मिले थे। इसको आप ग्लू की हेल्प से जो है अच्छे से स्टिक कर सकते हैं अपने आई के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा एक ग्लैम लुक क्रिएट होता है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे मेबलिन का कलॉसल बोल्ड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसका जो वॉन्ट है ना ये काफ़ी पतला है और स्लीक है, तो जिस तरीके का विंग आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मच प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, तो स्पेशली ह्यूमिडिटी वाले वेदर में काफ़ी अच्छे से जो है ये काम करता है। तो एक अच्छा सा विंग लाइनर जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और एक स्मोकी इफ़ेक्ट जो होता है ना वो विंग लाइनर के साथ में ही आता है। तो इसके बाद जो है अपनी लैशेस को मैं कर्ल करूँगी एंड इसके बाद जो है मैं फॉल्स लैशेस जो आती हैं आई लैशेस मैं वो अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ के ऊपर। तो इसको भी मैंने जो है अच्छे से लगा लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है एंड इसके बाद जो है हम टेप को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब जैसे ही हम टेप को हटाते हैं ना तो हल्का फुल्का सा जैसे कुछ आई शेडो फॉल आउट हुआ हो तो उसको हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसीलर का, और एक प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है पूरे विंग में जो हमने आइज़ का जो मेकअप किया है उसमें। तो मैंने जो यहाँ पे नीचे कंसीलर अप्लाई किया है सेम वही मेबलिन का कंसीलर 20 सैंड। तो इसको जो है मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, यानी फिनिशिंग लुक दे दूँगी। इसके बाद हम इसे सेट करेंगे कॉम्पैक्ट के साथ में। तो मैंने जो कॉम्पैक्ट लिया है ये वही HD ट्रांसल्यूशन पाउडर है जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है। तो इसको एक ब्रश पे लेके मैंने हल्का सा पूरे फेस के ऊपर डस्ट आउट कर लिया है। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, अगेन ये भी इनसाइड कॉस्मेटिक का हाइलाइटिंग बाम है, बहुत अच्छा है, मतलब आई मीन बहुत नेचुरल फिनिश देता है। तो उसको हल्का सा डैप डैप करके लगा लीजिए जहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना है, काफ़ी नेचुरल फिनिश आती है इसको लगाने के बाद से। तो अपने चिक्स के ऊपर, फोरहेड पे, आईब्रोज़ के आर्च के ऊपर, नोज़ पे अपनी, इसके अलावा अपनी चिन के ऊपर, तो काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि कुछ आपने एक्स्ट्रा अप्लाई किया हुआ है अपने फेस के ऊपर। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंटूरिंग अवॉइड की थी क्योंकि काफ़ी हैवी लुक हो जाता है, उससे मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज़र का यूज़ कर रही हूँ, ये आता है अवॉन ब्रांड का। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पाउडर बेस्ड है, इसके अंदर कुछ ग्लिटर पार्टिकल नहीं है, तो काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है जब आप इसे लगाते हैं। तो अपने फेस को शार्प फीचर्स अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप अपने फेस के ऊपर फीचर्स को क्रिएट करने के लिए, आई मीन स्लीक दिखाने के लिए आप इस तरीके से ब्रॉन्जर का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी एक जो आपका बेस है वो काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है। तो क्योंकि गणेश चतुर्थी डे टाइम में होती है तो मैंने वही सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही मेकअप को हैवी भी किया है, बट दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ग्लैम मेकअप लुक अचीव किया है। तो यहाँ पे मैंने की है यूज़ इनसाइड कॉस्मेटिक के पिंक लिप शेड। एक्चुअली मैं रेड यूज़ करती, लेकिन ऑलरेडी आई का जो मेकअप है ये काफ़ी मैंने बोल्ड किया है, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक को थोड़ा सा लाइट यानी पिंक शेड में रखा है। तो अभी जो है मैं अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ और ये मुझे लास्ट में ही याद आता है। तो मैंने अभी अपनी आईब्रोज़ को भी हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ ज्वेलरीज़ और बिंदी, और ये देखिए दिस इज़ दी फाइनल लुक। और आई होप कि आपको ये लुक जो है ये पसंद आया हो। बस मैंने यहाँ पे अपना एक हेयर स्टाइल बनाया है एंड ज्वेलरी को ऐड किया और एक बिंदी लगाई है, दैट्स इट। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं काफ़ी जो ट्रेडिशनल वाला मेकअप लुक है वो शेयर करूं आपके साथ में, बट द थिंग इज़ गजरा नहीं आया जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर वो आ जाता तो मैं यहाँ पे बना के आपको मिलती कुछ और ही लुक होता। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय।